बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम आदाब, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है और मैं जा रहा हूँ भाजी की सब्ज़ी को पानी देने। सुबह फर्स्ट टाइम सारा घर धोया था और अभी तेज हवा साथ में गरज और आंधी घर दो बार तोड़ी, ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना अजीब सी सिचुएशन बन गई। चले और फल देखें, इसको पानी लगा रहा हूँ। टैप भी खोली हुई है, पाइप भी खोला हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी सब्ज़ी सिराब हो रही है। वो वाली मकाने और प्याज सिराब कर रहे हूँ। मजदूर भाई बैठे चाय पी रहे हैं, चाय लेके आए। आज भाई कमर लोगों की गंदम की हार्वेस्टिंग की बारी है। इस तरह ठंडे ठंडे पानी में, ठंडी ठंडी रेत में हाथ डालने का अपना ही मजा है। सब्ज़ी सारी सैराब करके अभी जा रहा हूँ घर वापस। असर की अजान हो चुकी है, जाके नमाज असर अदा कर। इस्लाम का ये जो खेत है, ये सुबह लेबर लगी थी और तीन किनारे जो है उन्होंने काटी थी। पाजी टोर गया घर? हाँ, क्यों कह रहे हो? अच्छा हाँ, वो दोपहर ही एक भाई मोटरसाइकिल थे ते गाल विच जिहड़ा गानियां जिहियां पाईयां ते खैर मंगदा फिर चंगा पला करड़ चोट ते मैं क्या भी असां जिहड़ा देर ही छड़िया मैं दरवाजा बंद करके ते अंदर वाल नूं आया ते ओह तुहाडे पेड़ वाल जिहड़ा हौली हौली खिसकता जावे। फिर मैं झटकू बाद बाहर निकलिया ते मैं क्या वाजी वाह, और मैनूं वेख के फिर मोटरसाइकिल ते लत्त बलाई चो। हाँ, मजदूरी करन लगे इहनां मौत पैंदी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, 26वां रोज़ा, 26वें रोज़े की सेहरी आप सबको मुबारक हो। और आज की रात एक बहुत ही बाबरकत रात है। तो वज़ू किया है, नमाज तहज्जुद अदा करता हूँ, उसके बाद मेरा सेहरी बनाती है, सेहरी करेंगे और 26वां रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें लूटने की तौफीक दे। अभी तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। अम्मा जी आराम फरमा रहे हैं और मौसम चेक करें, गहरे स्याह बादल। 17-18 तारीख का बता रहे थे मौसम वाले, तो हर ज़मींदार हर किसान भाई जो है ना वो जल्दी में था, उसकी गंदम हार्वेस्ट हो जाए, उसकी गंदम संभाली जाए। लेकिन रब ताला का जो मंजूर, अल्लाह पाक हर किसान की गंदम जो है ना खैर खैरियत से उसको संभालने की मोहलत दे, तौफीक दे। और उस्मान बेटा गए हैं बाज़ार, कुछ चीज़ें लानी थी घर के लिए। और शाम को 27वीं का आदम शरीफ भी है, उस सिलसिले में भी कुछ सामान लेके आना था। मैंने कहा आप दोनों ही लगे जाओ, मेरी नहीं हिम्मत, तो वो दोनों गए हैं। मैं अभी थोड़ी देर तक ना नहा के फ्रेश हो के नमाज ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज ज़ोहर अदा करूँगा। जिस तरह का मौसम है बाहर, अल्लाह पाक 15-20 दिन और मोहलत दे देना, मौसम साफ रहे तो किसान भाइयों ने जल्दी जल्दी अपनी फसलें, गंदम की फसल जो है ये समेट लेनी है। अच्छा, गड्डी है ना अपनी? हाँ, एक मिसाल है, वेपोरेटर है।
हाँ फिल्टर सिंपल जी मिसाल है, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाई है तो फिल्टर साफ करवाने पैंदे हां जी सेम ओइल डिशन है। अच्छा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਏਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੈਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਸਫਾਈ, ਉਸਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਕਵਰ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੀਵਾਰੋਂ ਕਾ ਪੇਂਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਦੋ ਟੱਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ और अभी ये बाकी जो पार्ट्स हैं वो साफ कर रहे हैं, मीटर वगैरह। एक दिन उतार के करते होंगे सी एसी सर्विस ना। अच्छा वो बाद उसका गैस भी लीक हो जाती थी। क्योंकि नट की फ्लेरिंग खोलने लग गया बाद उसका लूज हो जाता, सही है घाटा हो जाता सी। नहीं आ काम ठीक है, मशीन पिछले साल लाए गए हैं जबरदस्त। एक तो माशाल्लाह काम बड़ा सफाई वाला होता है, प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है ये ना एसी बिल्कुल एक बार जीरो हो जाता है, ये हम थ्रो डबल हो जाएगी दोबारा से। सही है। असल च वीरे इन साढ़े इस इलाके में कट्टा मिट्टी भी बहुत है ना। असल ऊपर एरिया ना इलाका साडा है ध्यान है थोड़ा यार। बिस्मिल्लाह ले आ भाई एक मिनट शाफर ला उधर मजा आया। ऐसी माशाल्लाह सर्विस करके गए थे मुदस्सिर भाई, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, बड़े अच्छे हैं, जब भी फ़ोन करते हैं भागे आते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद ये सारी चीज़ें हुमैरा के आने से पहले पहले मैंने जहाँ पे थीं वहाँ पे वापस रखीं, ये सारी सफाई की। काफ़ी कचरा फैला हुआ था क्योंकि जब भी कोई मिस्त्री आता है कारीगर आता है तो फिर इस तरह का काम तो होता ही है। सारी चीज़ें जहाँ जहाँ पे थीं वहाँ वहाँ पे रख दी, डिवाइस दोबारा चालू कर दी, एक चीज़ जो है ना वो मतलब डिफरेंट जगह पे रखी गई। ये जो मेरे वाला टेबल था, ये वाला टेबल था ये उस साइड पे था, और हुमैरा वाला टेबल जो था वो इस साइड पे था। तो हुमैरा के आने से पहले पहले जो है ना ये टेबल भाई मुदस्सर लोगों ने ही रखे, उनको नहीं पता था कौन सा टेबल किस साइड का है, लेकिन हुमैरा के आने से पहले पहले मैं ना ये वाला टेबल मतलब अपना जितना भी सामान था चार्जर मैंने इधर फिट कर दिया अपना, ये देख आईफोन का, और हुमैरा के जो चार्जर हैं वो मैंने उधर फिट कर दिए लगा दिए। तो पहले मैं हुमैरा को कहा करता हुमैरा मैंने इधर सोना इधर सोना, ना बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन आज सारा सेटअप जो है ना इसके जाने के बाद चेंज हो गया, इसकी साइड चेंज हो गई है, तो ये काम फिट हो गया। एसी तो साफ हुआ हुआ, ये वाला काम जो है ना वो एक्स्ट्रा अच्छा हो गया। मम्मा जी दे अच्छा जी आज बहुत ही बाबरकत रात है, सब बहन भाइयों से इल्तिजा है कि प्लीज़ हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ फरमाएं, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि मुझे बिल्कुल दुआ कबूल हो जाए। हम भी अपने सब बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे, अम्मा जी बाजी स्नवर और आप भी जरूर दुआ कीजिएगा। ਜੇ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਡ ਬਟਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਣ ਲੱਪਣੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੇਵਰਿਟ ਏਰੀਆ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਥਾ, ਅਭੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਪਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਦਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੀਏ ਕਿ ਇਧਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ सर्विस करवाने के बाद अभी जोर की अजान हो गई है तो मैं भी फ्रेश हो गया। मेरा और उस्मान बेटा बाज़ार से आ गए हैं, जो राशन लाना था मेरा ने वो लिया ही है, और अभी नमाज जोहर अदा करता हूँ, व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।